नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मुकेश शर्मा आपका दोस्त। स्वास्थ्य से संबंधित कई जानकारियाँ आप मेरे YouTube चैनल पर देखते रहते हैं और न्यूरोथेरेपी, विशेष रूप से आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो आप देखते रहते हैं। आज आपके साथ एक नई मशीन की जानकारी लेकर के वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से हिजामा कपिंग थेरेपी के अंदर अपने देश में और बाहर से कई दूसरे देशों के अंदर भी कपिंग के लिए इलेक्ट्रिक वैक्यूम कपिंग मशीन का उपयोग करते हैं। वो एक प्रकार से सेक्शन मशीन है और उसमें कप लगा करके अपन उपयोग करते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। विशेष रूप से जैसे बालों में कपिंग करनी होती है तो दिक्कत होती है कि कप रुकते नहीं है, और वो रुके उसी लिए महसूस हो रहा था कि ऐसी मशीन की व्यवस्था अपने देश में भी हो। ऑनलाइन सर्च करने पर काफ़ी दिक्कत हुई, मिल नहीं पा रही थी। अभी किसी जानकार डीलर के माध्यम से पता लगा तो बम्बई से मैंने मशीन मंगवा ली है और आपके सामने उसको उपयोग भी करके देखते हैं और काफ़ी उपयोगी है। तो काफ़ी आसानी भी है और कुछ टेक्निकली तकलीफ ये आ रही है कि उसको मशीन को काम में लेते हैं तो एक बार में केवल एक ही कप लगा सकते हैं, लेकिन सुविधा ये है कि जो बालों के मामले में थे तो वो थोड़ा सा उपयोगी है। इलेक्ट्रिक वैक्यूम कपिंग मशीन जिसका उपयोग आसानी से किया जा सके, और ये मशीन अभी अपन ने बम्बई से मंगवाई है, ऑनलाइन आई है, तो इसका प्रयोग करके देखते हैं कैसी है और कैसा रिव्यूज़ है। ये मशीन विशेष रूप से अभी पिछले कई दिनों से हेयर फॉल पे कपिंग थेरेपी करते हैं तो उसमें मुंडन करवाना पड़ता है, और सभी की स्थिति नहीं होती कि मुंडन करवा सके, इसलिए इसको कई दिनों से विचार था मंगवाने का, तो मंगवाइए। ये रूटीन मेकअप है और इस पर नोजल है, तो ये नोजल लगा करके और हमने इसको फिक्स कर लिया, इधर से इसका स्विच ऑन कर दिया, और ये अभी इसकी स्पीड बिल्कुल कम है, थोड़ा सा स्पीड खोल के और अपन इसको लगाते हैं। ये तो इतनी कम स्पीड में तो ये काम नहीं करता, हाँ थोड़ा सा बढ़ाया है। ये इसको फुल कर दिया है अभी, अब फुल करने पर आप देख सकते हैं ये वैक्यूम बन रहा है इसमें, ये है ना, और ये हटा दिया, ये आप आराम से देख सकते हैं इसका ये वैक्यूम बन रहा है, ये अभी स्पीड इसकी फुल है। नोजल है इसमें से एयर पास हो रही है, तो ये स्प्रे करने के लिए आप जो ये इंस्ट्रूमेंट बताया है ये लगा करके आप किस बॉडी पे स्प्रे दे सकते हैं। दरअसल इसको मंगवाया गया था बालों के लिए, तो इतने बड़े बालों में तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि बाल बिल्कुल मुंडन कराने की जरूरत नहीं है। बालों की अगर छोटी कटिंग हो जाती है या जिसके ब्लड कपिंग करनी है उसके अगर कम बाल है, बिल्कुल साफ नहीं हुए हैं, तो आप उसको इसका उपयोग करवा सकते हैं, और ये थोड़े से अगर बालों में है तो ये आप आराम से इसको लगा सकते हैं, ब्लड कपिंग के लिए कम्फर्टेबल है। ये थोड़े बाल अगर होंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगी। ये इसी सुविधा के लिए कि कई बार महिला मरीजों को आप कपिंग करना चाहते हैं लेकिन बाल काटने की समस्या रहती है तो वो नहीं कर सकते, उसमें इसका उपयोग हो सके, इसलिए इस मशीन को मंगवाया था, और पूरे बाल कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसका कुछ मरीजों पे प्रयोग करके देखेंगे और जैसा स्थिति बनेगी आपके सामने वीडियो बना करके डालेंगे, और मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।